नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल एस्ट्रोवर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। शनिवार को अगर अमावस्या पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। वैसे तो हर अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है अपने पितरों के कार्य के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए, लेकिन अगर ये शनिवार वाले दिन पड़ती है तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये तो सब जानते हैं कि अगर हमारे पितर हमसे खुश हैं तो हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी नहीं आती है, और अगर आती है तो वो धीरे से तुरंत चली जाती है। तो उस दिन आप शनि अमावस्या वाले दिन आप अपने पितरों के निमित्त खीर का दान अवश्य करें, किसी मंदिर में खीर बनाकर उसको वहाँ पर भेजें। इसके अलावा उस दिन जो है चंद्र, सूर्य और राहु मेष राशि में हैं, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, घर का कबाड़ा निकालें। नहाने के बाद आप मंदिर की सफाई करें, मंदिर में से भी जो भी आपका ख़राब सामान है उसे हटाएं और बिल्कुल उसकी सफाई करें और भगवान की पूजा करें। उसके बाद देहली, जो कि राहु का कारक है, आप अपनी देहली को पे पानी की छींटे मारें या देहली को धोएं। उसके बाद देहली के दोनों तरफ आप सतिये बनाएं और सतियों के ऊपर आप चावल और गेहूं की मिला के ढेरी बनाएं और उसके दोनों तरफ आप दो दीपक जलाएं, दीपक आप तेल के जलाएं, और ऐसा आप सुबह भी करें और शाम भी करें। ऐसा करने से आप निश्चित मानिए आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन शीघ्र होगा। ये काम आप लगातार हर अमावस्या को करते रहें। इसके अलावा अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की दशा से आप परेशान हैं तो उस दिन आप काली गाय के पास जाकर उनकी पूजा करें और उनको 8 बूंदी के लड्डू खिलाएं और उनकी साथ परिक्रमा करें और शनि देव से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, वो उसे दूर करें। ऐसा आप लगातार 8 शनिवार करें। उस दिन शनि अमावस्या वाले दिन अगर आपको कोई पैसों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, नौकरी की समस्या है, तो उस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक पात्र ले जाएं, उसमें आप जल और थोड़ा कच्चा दूध और वो पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और उसके बाद वहाँ दीपक जलाएं और वहाँ खीर का भोग अपने पितरों के निमित्त रखें और वहाँ पीपल के पेड़ को छूकर आपको जो भी परेशानी, जो भी समस्या है, वो उनसे उस कष्ट को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। ऐसा एक बार नहीं करना है, ऐसा फिर उसके बाद से आपको लगातार कम से कम 8 शनिवार या 16 शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। इसके अलावा उस दिन अगर आप धन की वृद्धि चाहते हैं तो आप अनाज का दान करें। शत्रुओं का अगर आप नाश चाहते हैं तो काले तिल का दान करें। अगर आप अपना किसी विपत्ति से, अपनी परेशानी से छुटकारा चाहते हैं और अब अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आप छाते का दान करिए। और इसके अलावा आप अगर अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं तो काली उड़द का आप शनि देव के लिए दान करिए। इसके अलावा उस दिन चंद्र जो है अश्विनी नक्षत्र में है, तो उस दिन अगर आप जोड़े से दो जो है आंवले के पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनको जल देते हैं, तो आपके पितर के अलावा जो भगवान हैं आपसे, वो हमेशा खुश रहेंगे और आपके जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी होगी, वो तुरंत चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।